स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा भारत वर्ष की राजनीति के एक चमकते सितारे थे। बहुगुणा जी शुरू से ही मेधावी और कुशाग्र बुद्धि के स्वामी होने के नाते अपने शिक्षकों और बुजुर्गों को अपने तर्कों से प्रभावित करने लगे थे। प्रखर वक्ता होने के अलावा उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। लोग इस बात पर आश्चर्य करते थे कि बहुगुणा जी अक्सर कार्यकर्ताओं और सहयोगियों को उनका नाम पुकार कर बुलाते थे। उत्तर प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री रह चुके बहुगुणा जी ने केंद्रीय मंत्री के रूप में अनेक विभागों के दायित्व को भी सफलतापूर्वक संभाला। वे एक कुशल प्रशासक थे। देश के विकास और लोकतंत्र की मजबूती के लिए वे हमेशा प्रयासरत रहे। बहुगुणा जी का जन्म तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान में उत्तराखंड के गढ़वाल में 25 अप्रैल 1919 को हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गढ़वाल में पूरी करने के बाद बहुगुणा जी ने जीआईसी इलाहाबाद से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। इसके बाद बहुगुणा जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र जीवन में ही बहुगुणा जी ने स्वतंत्रता संग्राम में इस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत और लाल बहादुर शास्त्री जैसे वरिष्ठ नेता आपसे अत्यधिक प्रभावित हुए। एक समय तो ऐसा भी आया जब ब्रिटिश सरकार ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से उभरे बहुगुणा जी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। लेकिन बहुगुणा जी ने आजादी के लिए अपना संघर्ष जारी रखा। वर्ष 1943 में आजादी के इस दीवाने को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया। 2 साल की जेल काटने के बाद बहुगुणा जी को रिहा कर दिया गया। लेकिन बहुगुणा जी भला कब चैन से बैठने वाले थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार की चूलें हिला दी। आजादी के बाद बहुगुणा जी ने कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में समाज और देश की सेवा करने का व्रत लिया। 1952 में बहुगुणा जी उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। अपनी तेज तर्रार छवि और कुशल कार्यशैली के चलते आपको वर्ष 1957 में कांग्रेस की राष्ट्रीय समिति में शामिल कर लिया गया। इसके बाद बहुगुणा जी को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जैसे महत्वपूर्ण पद का दायित्व सौंपा गया। सिद्धांतों और मूल्यों की राजनीति के इस पुरोधा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी से मतभेद होने के कारण पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने नैतिकता के आधार पर संसद की सदस्यता भी त्याग दी। इसके बाद उन्होंने सन 1982 में पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट से उपचुनाव लड़ा। बहुगुणा जी को पराजित करने के लिए इंदिरा जी ने पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन बहुगुणा जी ने इस उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। बहुगुणा जी को श्रद्धांजलि देते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने स्वर्गीय बहुगुणा जी को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतिबद्ध नेता के रूप में याद किया। उन्हें वंचितों, गरीबों, किसानों और मजदूरों की आवाज करार देते हुए उनके विराट व्यक्तित्व को याद किया। लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का एक सबसे बड़ा उदाहरण था, वे स्वयं कांग्रेस में थे, मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने जयप्रकाश जी को नहीं रोका। बहुगुणा जी के लिए लोकतंत्र का महात्म्य था, आरोप प्रत्यारोप की सीमाओं को में सिमट कर रहना और उसके आधार पर निर्णय करने के बजाय लोकतांत्रिक परंपराओं पर महत्व दे करके उन्होंने जयप्रकाश जी के कार्यक्रमों को सफल किया। अमर रहे, अमर रहे, भारत।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 25 अप्रैल 2018 को स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के जन्म शताब्दी वर्ष की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री जी ने स्वर्गीय बहुगुणा जी को भारत माता का एक महान सपूत बताया। समाज को एक नई दिशा देने वाले, समय समय पर समाज के गरीबों, वंचितों, समाज के हर तबके की आवाज को एक नई बुलंद आवाज देने वाले स्वर्गीय बहुगुणा जी का जन्म शती वर्ष का एक वर्ष तक चलने वाले इन कार्यक्रमों के साथ किसी न किसी रूप में प्रदेश सरकार को भी और प्रदेशवासियों को भी जोड़े जाने की आवश्यकता है। श्री योगी ने कहा कि बहुगुणा जी एक महान राष्ट्रभक्त, राजनेता और समाज सेवी थे। गरीबों, शोषितों और वंचितों के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया उसे हमेशा याद रखा जाएगा। स्वर्गीय बहुगुणा जी को उनकी पत्नी स्वर्गीय कमला बहुगुणा जी ने समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में भरपूर सहयोग दिया। कमला जी ने लोकसभा में फूलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। पत्नी के रूप में ये थी कि मैंने उनको परिवार के सब बंधनों से तरीके से मुक्त कर दिया। उनको उलझन में नहीं डालती थी, किसी पारिवारिक समस्या को लेके उनको उलझन में नहीं डालती थी, वो मैं खुद ही सॉल्व करती रहती थी। दूसरे उनके राजनीतिक जीवन का जो बेस था इलाहाबाद, वहाँ मैंने इतना काम करना शुरू कर दिया था कि उनको वहाँ से काफ़ी छुट्टी मिल गई और वो प्रदेश के और देश के काम में। बहुगुणा जी की राष्ट्र सेवा और समाज सेवा के व्रत का पालन उनके दोनों सुपुत्र श्री विजय बहुगुणा और श्री शेखर बहुगुणा तथा सुपुत्री श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी पूरे समर्पण के साथ कर रही हैं। श्री विजय बहुगुणा जी इलाहाबाद उच्च न्यायालय और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। श्री शेखर बहुगुणा एक प्रख्यात समाज सेवी हैं। श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रोफेसर रहीं। आप बालिकाओं और महिलाओं के उत्थान और कल्याण तथा प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। मेरे पिता का स्वाभिमान का गुण मैं समझती हूँ मेरे जीवन की सबसे बड़ी धरोहर है। उनकी कलम जब भी चली वो चली उन लोगों के लिए जिसको राष्ट्र में सशक्त करने की आवश्यकता थी, जो पिछड़े थे, हाशिए पे थे, गरीब थे। महान पिता की महान पुत्री श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी वर्ष 1995 से वर्ष 2000 तक इलाहाबाद की महापौर रहीं। आपको वर्ष 2001 में थाईलैंड में दक्षिण एशिया की सबसे प्रतिष्ठित महिला महापौर के रूप में संयुक्त राष्ट्र के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा लोकतंत्र के महान प्रहरी के रूप में हमारे प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। जमीन से जुड़े नेता स्वर्गीय बहुगुणा जी का लखनऊ से खास लगाव था। उनकी बातचीत का अंदाज लखनऊ वासियों को बहुत पसंद था। प्रदेश और देश के विकास के लिए उनके दृष्टिकोण और विचारों के तमाम लोग प्रशंसक हैं। एक बहुत ही मार्मिक क्षण है मेरे पिता के जीवन का, जो कि मुझ पे बहुत जबरदस्त प्रभाव डाल दिया है। जिस समय वे अपने अंतिम शल्य चिकित्सा के लिए अमेरिका जा रहे थे और हम लोग घर से बाहर निकले, तो मेरे पिताजी बहुत देर तक जमीन की ओर देख रहे थे और फिर उन्होंने माटी उठा के माथे से लगाई। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा पता नहीं कि माटी मुझे फिर से छूने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उन्हें अपने देश से बहुत प्रेम और समाज के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव था। ये बात मुझे जीवन भर की गई है। मेरे ख्याल से ये प्रेरणा का भी स्रोत है कि एक व्यक्ति पूरे जीवन कैसे अपने आप को देश के समाज से बांध सकता है और अपने समर्पण की भावना रख सकता है। ऐसे महान नेता की स्मृतियों को हम शत शत नमन करते हैं।